तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यवस्थित होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। हालांकि कुछ परेशानियां जरूर हैं, लेकिन खुश रहिए, बुरे वक्त में भी खुश रहना सीखिए। दोस्तों लाया हूं एक छोटी सी कहानी आपके लिए, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, और आप कौन से शहर से रहने वाले हैं इस वीडियो के कमेंट में बताना ना भूलें। दोस्तों एक बार की बात है, दो दोस्त थे और शहर की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच में एक घना जंगल पड़ता है, शहर काफ़ी दूर था। पैदल सुबह सुबह अपने घरों से निकलते हैं और चलने लगते हैं। चलते चलते वो कुछ आराम भी करते हैं, कुछ खाना भी लिए रहते हैं, मिलकर बैठकर खाते हैं। लेकिन जब मिलकर बैठकर खाना वो दोनों खा रहे होते तो किसी बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है, और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को एक थप्पड़ जड़ देता है। लेकिन जो दूसरा दोस्त रहता है वह कुछ नहीं कहता है, वो शांत रहता है, और कुछ देर बाद फिर से यात्रा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं। और चलते 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 अचानक एक गड्ढा पड़ता है, जिसमें एक जो दोस्त जिसे थप्पड़ लगा हुआ था वो गड्ढे में गिर जाता है। और जैसा ही दूसरा दोस्त देखता है, भले उससे बात नहीं कर रहा था रास्ते में, वह तुरंत जाकर अपने उस दोस्त को बाहर निकालता है और उसकी हरकतों को देखता है कि जब मैंने इसे थप्पड़ लगाया था तो ये मिट्टी पर लिख दिया था कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे थप्पड़ मारा है। और गड्ढे से निकालने के बाद वह जो गड्ढे में गिरा हुआ दोस्त था जिसे थप्पड़ लगा था, वह पेड़ पर जाकर कुछ खरोचने लगता है और वहाँ लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। वह काफ़ी वक्त लगा रहा था उस पेड़ में लिखने पर, क्योंकि पेड़ पर यूं ही आसानी से नहीं लिखा जा सकता। उससे रहा न गया और उसने बातें करना शुरू की और उससे पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर क्या वजह है? जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने सिंपल सा मिट्टी में जल्दी से लिख दिया, और आज मैं तुम्हें बचा लिया हूँ तो तुम पेड़ पर लिख रहे हो। तब उसके दोस्त ने कहा कि मित्र, जब तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, तो मैंने अपने दिल पर यह सोच लिया था कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हंसी मजाक में लड़ाई हो गई, हमारा रिश्ता ना बिगड़े, इसलिए मैंने मिट्टी पर लिख दिया कि हवा का झोंका आएगा और इसे मिटा देगा, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ अच्छा ना हो तो हमें उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन आज तुमने जान बचाई है इसलिए मैं इसे पेड़ पर इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि ये कभी ना मिटे, और इसी तरह मेरे दिल में भी ये कभी नहीं मिटेगा कि तुमने मेरी जान बचाई है। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमेशा कुछ गलतियाँ या कुछ बातें आपके साथ ऐसे हो जाएं जीवन में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती, उन्हें भूलना ही ज़रूरी होता है, लेकिन जो आपके साथ अच्छाई कर रहे हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं, उनको कभी ना भूलें, हमेशा उनका सहयोग करें, हमेशा उनसे मिलजुल कर रहें। छोटी छोटी बातों में अलगाव जरूरी नहीं होता है, लेकिन जब अलगाव की बात आ जाए तो आप उस व्यक्ति की मदद की बात हमेशा अपने दिमाग में रखें कि इसी व्यक्ति ने मेरी मदद की थी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक बात ये भी बताना ना भूलें कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।